सत्ता का नशा क्या होता है, इन दिनों ये बीजेपी के नेताओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज हम आपको तीन तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें बीजेपी नेता खुद को भले ही भगवान ना समझ रहे हों, लेकिन भगवान से कम भी नहीं मान रहे। कहीं मंत्रियों की धौंस दिखाई जा रही है तो कहीं बीजेपी नेता अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है बीजेपी वो बीजेपी पार्टी नहीं रही जिसमें संस्कारों और नैतिकता की बात होती थी। बीजेपी में बड़े जल्दी और बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बदलाव व्यवस्था में नहीं बल्कि बदलाव आया है तो संस्कारों में। संस्कारों को लेकर जाने जाने वाली पार्टी में अब ऐसे नेता आ गए हैं जो अपशब्दों के सिवा बात नहीं करते। तो चलिए हम आपको नेतागिरी और सत्ता की धौंस की पहली तस्वीर देवास से दिखाते हैं। स्कूल बसों में अनियमितता के चलते परिवहन विभाग की कार्रवाई के दौरान भाजपा जिला मंत्री राजेश यादव और परिवहन अधिकारी जया वसावा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों ने एक दूसरे पर गलत व्यवहार के आरोप लगाए हैं। दरअसल देवास जिले में स्कूल बसों में परमिशन को लेकर आरटीओ विभाग कार्रवाई कर रहा था, जिस पर नेताजी भड़क गए और अधिकारी को अनाप शनाप बकने लगे। गाड़ियाँ खड़ी करके मैं आपको जो आज का नंबर चेक करो, दोनों का पेटेंट नंबर क्या है, बनाने चालन कोई बात। चलो आप करो करो करके बिठाओ, चलिए आप करो करो। आप देवास की एक भी गलती कर दी फिलहाल खराब कर दूंगा। नियम पूरी जगह चला लेना, फिर इतनी बसें चल रही जितने आपके पैसे लेके चला रहा हूँ, बताता हूँ मैं कितनी बसों का फिटना था देवास की बसों के, कितनी बसों का फिटना था देवास की प्राइवेट बसों के, फालतू बात करो आप। दूसरी तस्वीर नरसिंहपुर के गाडरवारा की है, जहां बीजेपी नेता शशिकांत गुर्जर ने रोड की मांग कर रही जनता को सरेआम मां बहन की गालियां दी, अपशब्द कहे, बौखलाहट इतनी कि वे मारने पर भी उतारू हो गए। वो भी तब जब वहां कांग्रेस की महिला विधायक के साथ और भी महिलाएं थी। जैसे तैसे लोगों ने उनका गुस्सा शांत किया। अब ये सत्ता का नशा नहीं तो क्या है, जो जनता नेता चुनती है, सड़क की मांग करने पर उसी को भला बुरा कहना, गाली देना, ये नई भाजपा का नया संस्करण है। भाई ये तो अपने खाते पहुंचे हैं उधर, तो जाते हैं साहब समस्या जाती। एसडीएम मिले नहीं, कलेक्टर मिले नहीं, तो एक सुनो, हम तो अपन हमने नीतिगत बात करा, हाई कोर्ट में पेशी होत है, चाहे कलेक्टर की हो, सुनो, चाहे एसडीएम की हो, चाहे मेरी हो, अपन पहुंचने पड़ा, कुछ नीतिगत बात भी देख लिया। अरे चलो घर नहीं बाबा, इतने इतने तो पानीदार जाने जा, तीसरी तस्वीर में ये आदमी नगरीय प्रशासन मंत्री का नाम ले लेकर धौंस जताने में लगा हुआ है। ये लोग लंबे समय से अधिकारी कर्मचारियों को धौंस जमा कर अपना उल्लू सीधा करते आए हैं। ये युवक जिन मंत्री का नाम ले रहा है उनकी छवि साफ स्वच्छ है। ये छुटभैया नेता कह रहा है, नवीन भट्ट मतलब मंत्री भूपेंद्र सिंह का जानने वाला। देखिए इनके भी धमकाने का तरीका। समझा सो जाओ, जान दो तुम कहां से बेचारे मोड़ी मोड़ा, लाइसेंस नहीं उसके सब कछु है, दिखाओ दिखाओ। क्या नवीन भट्ट की गाड़ी है, नवीन भट्ट कौन है, पता है नहीं पता आपको, वीडियो बनाओ नहीं पता। नवीन भट्ट मतलब भूपेंद्र सिंह का हाथ है, पता करो अपने बड़े अधिकारी से पूछो। नहीं पता मुझे, किसी ने कुछ बोला क्या आपसे, हमसे नहीं बोला, सुन लो कहा कि नवीन भट्ट की गाड़ी है, तो सुनो ना किसके नाम आ रही गाड़ी, देखो छोटा भाई है दीपक भट्ट, उसके नाम पे आ रही, तो फिर आपके नाम पे कैसे हो गई। छोटा भाई और बड़ा भाई कोई फर्क होता नहीं होता, क्यों होता क्यों नहीं होता फर्क, कॉपरेट कर वो सीखो आप, समझो कॉपरेट कर आपसे कहो, आपने आके चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कॉपरेट है क्या, आपने फोन में बात कर ले तो बात खत्म हो जाती है, बात कर ले। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. G
Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।